अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां उत्तराखंड विधानसभा का सत्र देहरादून में विधानसभा सत्राहुत होगा। कांग्रेस विधायकों ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब तलब किया, कांग्रेस विधायकों से जवाब उन्होंने तलब किया और राजधानी में सत्र नहीं करने का उन्होंने समर्थन किया। और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि अब देहरादून में विधानसभा का सत्र आहूत होगा, कांग्रेस के विधायकों ने भी इस पर समर्थन जताया है। देखिए, इस पर जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने, यहाँ तक कि सत्ताधारी विधायकों ने पत्र लिखकर उस पत्र पर हस्ताक्षर कर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा, और अब इसका संज्ञान जो है कांग्रेस, क्योंकि उत्तराखंड की राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे जवाब तलब किया है। चूंकि जो कांग्रेस का मानना है वो ये है कि राज्य की अवधारणा के अनुरूप गैरसैंण में, भरारीसैंण में सत्र आहूत होना चाहिए था, और पिछली बार जब सत्र आहूत किया गया था भरारीसैंण में, उस वक्त ये भरोसा भी सदन के सदस्य को दिलाया गया था। चूंकि सरकार ने भी ये एक आधार माना है कि जो विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षर कर पत्र सौंपा है, उसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देहरादून के विधानसभा भवन में सत्र आहूत करने का फैसला लिया है। लिहाजा अब विपक्ष के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपनी ही पार्टी के उन विधायकों को जवाब तलब किया है जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका साफ तौर पर यह मानना है कि राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के, जनभावनाओं के अनुरूप जो विधानसभा का बजट सत्र है वो भरारीसैंण गैरसैंण में होना चाहिए था, लिहाजा ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे जो पत्र का तर्क दिया जा रहा है, उस पत्र पर किस किस विधायक ने कांग्रेस के हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, समर्थन किया है, ऐसे विधायकों से जवाब तलब किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मामला है। और चूंकि अब सरकार ये फैसला ले चुकी है कि विधानसभा भवन देहरादून में ही सत्र आहूत किया जाएगा, तो अब इस मामले पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं ये अपने जवाब में प्रदेश अध्यक्ष को किस तरीके के तर्क देने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जो एक 40 से ज्यादा विधायकों ने, क्योंकि 70 विधायकों की विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा है, और ऐसे में 40 विधायकों ने एक समर्थन पत्र जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को देकर अनुरोध किया है कि सत्र को देहरादून में आहूत करा लिया जाए। एक तो इसका ये पत्र सरकार ने आधार माना और इसमें बीजेपी के, कांग्रेस के और निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर है, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात के समर्थन में नजर आए। दूसरा, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है और इसकी आचार संहिता भी लागू होने को है, तो ऐसे में इसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला शायद लिया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम विधायक हैं, खासतौर से विपक्ष के विधायक, वो इस बात को भी कह रहे थे कि सत्र जो है वो गैरसैंण में ही आउट होना चाहिए, लेकिन कुछ विधायकों ने जब समर्थन कर दिया है तो अब कांग्रेस ने जहां इसका जवाब तलब किया है, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्ष के विधायकों की जन भावनाओं को आधार बनाते हुए सरकार ने फैसला लिया है। तो अब देखना होगा कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो कितने ऐसे विधायक हैं जो यहाँ पर सत्र करने के पक्षधर हैं और जो गैरसैंण में नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि जब हमने संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत की थी, जो विधायी कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनका ये कहना था कि विधायकों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, विधायकों की भावनाओं के साथ साथ जो कर्मचारी अधिकारी जो भरारीसैंण विधानसभा भवन पर ड्यूटी करते हैं सत्र के दौरान, उनका ख्याल रखते हुए ये फैसला सरकार लेगी। जब हमने इस पर बात की थी, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने देहरादून में सत्र आहूत करने का फैसला लिया और अब इस पर कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया और सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो तो इसके समर्थन में नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे सोनू। तो दर्शकों को बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर अब कांग्रेस विधायकों ने भी सहमति जताई है। जिस प्रकार हमने देखा कि सहमति नहीं जता रहे थे, तो वहीं कई सारे विधायकों ने सत्र देहरादून में होने को लेकर सहमति जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से और कहां पर ये सत्र आहूत होता है।